फैंसी और है ये बड़ा यूनिक सा कलर मुझे नज़र आया। ये चेक करें आप लोग नाला लेक की सूरत हाल फुल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक ठाक और खुश होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। और कपड़े वगैरह मैंने ट्राउज़र शर्ट इसलिए पहना था कि मैंने शाम को जाना था रनिंग के लिए, तो इसलिए वो आकर मैंने उतार दिए थे और आप इस ट्राउज़र शर्ट में। तो रनिंग पर जाने से पहले जो है वो हम जाएँगे जुमे को जो लगती है ना राजब ज़ारा मंडी, उसमें जाएँगे हम और आप लोगों को मज़े मज़े के जो है वो एनिमल और बाकी चीज़ें दिखाएंगे। वीडियो को आप लोगों ने लाजमी एंड तक देखना है और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और बाइक से कपड़ा वगैरह हटाते हैं, इसको अनरैप करते हैं, कपड़ा वगैरह से हटा दिए, इसको जल्दी से करते हैं। ये भाई साहब हम मंडी में पहुंचे हुए हैं और आज देखें कैमरे वालों का रश लगा हुआ है। ये भाई भी आए हुए हैं और पहले एक जगह पे ना मेरा अपना इंटरव्यू भी हो चुका है, वो जा रहा है। इधर अभी मुझे कबूतर वगैरह नज़र आए हैं, ये नीचे नज़र नहीं आया। ये लके वगैरह हैं फैंसी और है ये बड़ा यूनिक सा कलर मुझे नज़र आया। और ये इधर मुर्गा भी है। आप क्या भाई क्या रेट है इनका? 5 रुपये पीस। 5 रुपया पीस रेट तो इनका मुनासिब है। अगर मुझे चाहिए होते तो मैं लाजमी इनसे ना ले के जाता है एक आधा जोड़ा, लेकिन अभी मेरे से पहले ही नहीं संभाले जा रहे। आज मंडी के अंदर रश कोई हैवी किस्म का ही है, इसलिए अफा साहब हैवी सौदा करने के मूड में निकले हुए हैं। यहाँ पे सिंचेस वगैरह नज़र आई हैं, कोई आज़ाद कराने का शौकीन हो उसके बाद टब वगैरह। और ये पता नहीं फेल को क्या हुआ है, ये हल्के हल्के नशे में। ये चेक करें आप लोग नाला लेई की सूरत हाल फुल। भाई साहब चढ़ा हुआ है, पूरा हफ्ता नहाते नहीं हो, जुमे को नहाओगे तो फिर नाला लेई का यही हाल होगा ना। थोड़ा शर्म खा के पूरा हफ्ता नहाया करो ताकि उस बेचारे पे लोड ज़रा कम पड़ा। रात को नहीं यहाँ पे चलती भाई, अभी जो है मंडी से वापस जा रहे हैं। तो खैर आज न्यूज़ रिपोर्टर बहुत ज़्यादा आए हुए थे उधर मंडी में, मैंने एक आप लोगों को दिखाया भी होगा, वो पता नहीं बूस्टर के ऊपर कैमरा लगा के शूटिंग कर रहा था। एक ने तो खैर मेरा भी इंटरव्यू लिया और लंबी लंबी छुड़वाई है उस बंदे ने मेरे से काफ़ी। अभी हो सकता है कि वापसी टाइम मैं यहाँ पे आऊँ, इसको प्यार से रेस कोर्स पार्क कहते हैं जहाँ पे अभी मैंने रनिंग के लिए आना है। तो अभी सिस्टम ये है कि हमारे पास ये मुर्गा है। हाँ ये वाला दिखा नहीं रहा, तो इसको भी घर छोड़ते हैं क्योंकि इसकी पार्क में जो है नो एंट्री होती है। और एक बार तो घर छोड़ ले फिर यहाँ पे वापस आके ना आप लोगों से मिलता हूँ। A few inches later, मैंने कर लिया कसम से, हालत बिल्कुल बुरी हुई है, आपको चेहरे से पता चल रहा होगा पसीना पसीना। और वैसे भी हालत बिल्कुल बुरी भी है, जो अभी घर जाता हूँ और कभी कभार नहीं, इनको पता है मैं रोज़ आता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं ना लंबी टांगों वाले वो दिखाता हूँ, लंबी टांगों वाले वो मुर्गा भी नहीं है जो भी है, खैर पता नहीं क्या चीज़ है। तो अभी घर चलते हैं और घर जाके जो है ना थोड़ी अपनी हालत वगैरह सुधारता हूँ यार यहाँ पे। और ये तो जैसे वो बांधों की डुगडुगी नहीं होती वैसी आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो खैर अभी जल्दी से घर जाता हूँ, घर जाके थोड़ी हालत सुधारते हैं, खाना खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो रात को घर आया था मैं थका हुआ था काफ़ी ज़्यादा, खाना वगैरह खा के मैं सो गया था। और अभी फिर मैं उठा हूँ और अभी नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो मैंने कहा पहले ज़रा व्लॉग बना लेते हैं। तो अभी हमारे रैबिट को मैंने खाना छाना डाला हुआ है, सिर्फ खाना वगैरह डाला हुआ है, पालक भी पड़ी है, शलजम वगैरह भी पड़े हैं, अपनी मर्ज़ी से इनका जिसका दिल करता है वो खा लेता है। और दूसरी साइड पर हमारा जो डकी गैंग है ये भी अभी इनको मैं खोलता हूँ। इनको भी अभी खोलते हैं, इनका कल बहुत हैवी सीन हुआ है यार, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, एक मिनट ज़रा इनको मैं खोल लूँ। डकी गैंग हमारा खुल चुका है और ये अब जिधर जिधर मैं जाऊँगा मेरे पीछे पीछे आएंगे। ये चेक करें आप लोग, इनके साथ कल सीन ऐसे हुआ है कि कल ये खुले हुए थे और मैं मज़े से ना अपना इनको खोल के थोड़ा काम वगैरह था, तो थोड़ा काम वगैरह था वो करने लग पड़ा। तो पीछे से इन्होंने ऐसे किया जी कि गए हैं बाहर जो छत के अंत पर नाले कहते हैं, ठीक है, जो पाइप होता है ना नीचे मतलब ओवरफ्लो के लिए छत पे अगर बारिश है पानी नीचे जाता है, वहाँ पे गए हैं, वहाँ से पाइप के अंदर चले गए वो भाई साहब। तो पाइप के अंदर गए हैं, मुझे पता ही नहीं, मैं अपना अंदर से अंदर बैठा हुआ सुकून से
और ये अपना उधर कहीं पाइप के अंदर फंसे रहे हैं, दो गिरे थे, एक जो था वो बार बार ना कभी रूम में आए कभी बाहर जाए, कभी रूम में आए कभी बाहर जाए। मैंने कहा इसको पता नहीं क्या हुआ आज। वैसे तीनों ना हमेशा इकट्ठे होते हैं, जैसे अभी घूम रहे हैं ना, ये आप लोग देख सकते हैं तीनों जैसे अभी मज़े से अपना घूम रहे हैं, इसी तरह ना ये पक्के तीनों होते हैं। तो कल मुझे हल्का सा शक पड़ा कि यार बाकी दो किधर हैं, बाकी दो जाके देखे तो वो ना उस पाइप के अंदर, मैं पाइप के अंदर चले गए। अब मुझे भाई साहब एक टेंशन पड़ गई कि अब इनको निकालूं तो निकालूं कैसे, क्योंकि हमारे पाइप हैं हर जगह से बंद है ना, कुछ होते हैं ना ऐसे मतलब छोड़ दिया कि छत से डायरेक्ट पानी नीचे जाए, हमारे प्रॉपर वो उसके मतलब पक्के लगे हुए हैं, मतलब जोड़ छोड़ उनमें कोई नहीं है। तो अब वो मुझे टेंशन पड़ गई कि यार इनको निकालूं तो निकालूं कैसे, एक जो था वो मुझे नज़र आ रहा था और दूसरा जो था वो गायब था। अब एक जो है मैंने जाके उसको कोशिश करके ना थोड़े पाइप शाइप खोलने की कोशिश की, उधर से एक को तो मैंने निकाल लिया, अब दूसरा ना मिले, दूसरे की आवाज़ें आई और ख़ुद ना आए। काफ़ी देर जो है मैं उसको ढूंढता रहा, काफ़ी देर मैंने आवाज़ें गली के अंदर जो नीचे पाइप होता है वो जाके खोला है, सारा कुछ कर करा के ना, कस में पूरा दिन, कल जुम्मा भी था, इन्होंने मुझे ये ऊपर से वक्ता डाल दिया, फिर पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सारे पाइप खोले, ढूंढ ढूंढ के हर जगह पे चेक किया, मिले ही ना तीसरा। तो फिर बड़ी मुश्किल से एक पाइप में उसे मुझे हल्की हल्की ना आवाज़ें आई हैं कि अंदर कुछ मतलब इस ना डक की आवाज़ें जिस तरह होती हैं ना, चीं चीं करते हैं, वो आई। वो पाइप जैसे ही मैंने खोला तो अंदर बैठा हुआ कसम से, तब जाके मैंने सुकून का सांस लिया, और वरना कल अगर मुझे थोड़ी सी देर हो जाती ना तो इनमें से एक आधे ना पूरा हो जाना था। तो बचाते बचाते तकरीबन मेरा एक से डेढ़ घंटा लगा, और लेकिन फाइनली मैंने तीनों को ना बिल्कुल सही और सेफ तरीके से बचा लिया था, और अब जो है बिल्कुल ठीक हैं, एक्टिव हैं, उस टाइम पर भी एक्टिव थे, पर इसको तो उल्टा खुशी थी, पाइप के अंदर बैठ के ना मज़े से इन्जॉय कर रहा था। तो खैर अभी जो है वो माशाल्लाह से तीनों बिल्कुल एक्टिव हैं और ठीक हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कि आप घूम रहे हैं। तो अब इनको मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं खोला करूंगा, अभी मैं यहाँ पे हूँ ना तब मैंने खोला, वरना इनको खोल के कभी अंदर नहीं जाऊँगा, तो क्योंकि पीछे गायब हो जाते हैं और फिर ना वक्ता पड़ता है मेरे लिए, हैं भी छोटे छोटे हैं, पाइप में चले जाएँ मर जाएँ फिर वो अलग एक स्यापा बन जाएगा। ये देखें अभी भी उधर ही जा रहे हैं, अब बेशर्मो। तो खैर ये एक छोटी सी ट्रेजडी थी जो कल मेरे साथ हुई है, और इसने ना कसम से एक बिल्कुल ना टेंशन में डाल के रख दिया था, और अब जो है वो इनको डालते हैं पानी वगैरह, तो अभी इनको इसके अंदर पानी वगैरह डाल देता हूँ ताकि अपना पी भी लें और इन्जॉय भी करें। तो इनको मैंने यहाँ पे पानी रख दिया, तीसरा भी बाहरी उसको पता ही नहीं है कि पानी अंदर है। चल चलो चल चल अंदर चल 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 चलो 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 ये अब पहुँच जाएगा खुद ही उनके पास। तो खैर जब तक ये अपना पानी वगैरह पी लेते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं, मैं इतनी देर जाके कबूतरों को देख लेता हूँ कि वो खुले हैं या बंद हैं। तो इनको बंद नहीं करता मैं, और ये चेक कर, ये अपना खुले हुए मौज मस्ती कर रहे हैं। आप भी कह रहे होगे कि हर व्लॉग में एक दफ़ा जिक्र कर देता है कि मैंने घर बनाना है घर बनाना है घर बनाना है, लेकिन बनाता नहीं है। तो खैर अभी पिंडी के मौसम जो है वो ऐसे नहीं हुआ कि उस पर भरोसा करके कोई चीज़ की जाए, क्योंकि रात को होती है तेज़ बारिश और सुबह निकल आते हैं ये सूरज मियाँ, ठीक है ये वाले, तो इसलिए जो है मैं कुछ बना नहीं सक रहा, क्योंकि अगर मैं अभी बनाता हूँ रात को बारिश आती है वो ख़राब हो जाता है, और अगर शाम के टाइम बनाऊँ तो फिर कभी दिन को बारिश आ जाती है, तो ये सीन है, इस वजह से मैं अभी बना नहीं सक रहा। एक दफ़ा ये थोड़ा सा बारिश वाला और ये चीज़ थोड़ी सेट हो ना, फिर इंशाल्लाह इनका प्रॉपर सेटअप करेंगे। और एक और भी चीज़ है कुछ टाइम में आ रही है, अगर वो हो जाती है ना फिर तो हम प्रॉपर बनाएंगे, प्रॉपर मज़े का सही वाला, जिसमें आपको भी मज़ा आएगा देखने में और मुझे शो करने का मज़ा आएगा। तो मैंने बंद करके खाना वगैरह इनको अंदर ही डाल दिया, तो इतनी देर ये लोग भी खाना वगैरह खा लेते हैं, और इतनी देर मैं अपने पेट पूजा करता हूँ क्योंकि यार नाश्ता नहीं किया, भूख लगी हुई है टाइट किस्म की, तो चल के पहले नाश्ता करते हैं। तो भाई साहब मेरा नाश्ता आ गया, एक दो पराठे, एक नीचे है एक ऊपर है, और साथ में ये अरबी का सालन है, और साथ ये चिकन का पीस है, रात को बनाई थी कढ़ाई तो उसमें से एक मैंने ना अभी चुपके से उठा लिया, तो ये जल्दी से खाता हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो भाई साहब नाश्ता वगैरह मैंने भी कर लिया, तो रैबिट वगैरह ने भी खा लिया नाश्ता, और अब ये देखें आप लंबी टांगे करके ये पड़े हुए हैं, एक बैठ के सो रहा है एक टांगे लंबी करके सो रहा है, और उधर जो है वो डक भी हमारी बिल्कुल सुकून से बैठ गई है, और कबूतर भी उस साइड पर खुले हुए हैं, वो अभी अपना उनका दाना वगैरह मैं पहले ही रख देता हूँ, पानी भी पड़ा होता है उनका ताज़ा ठंडा, और वो भी अपना इन्जॉय करेंगे। तो खैर एक और मसला बना है जी, कि और मुझे पता चला है कि मेरा व्हाट्सएप डिलीट हो चुका है, पता नहीं वो कह रहे हैं जी कि व्हाट्सएप आपका अकाउंट बैन हो चुका है, तो आप हमारे हेल्प सेंटर से रब्ता करें। तो खैर उसको भी देख लेते हैं यार क्या होगा, क्योंकि अभी तक मेरा जो ओरिजिनल व्हाट्सएप है वो मैंने रिकवर नहीं किया, उसका जो था ना उसका जो बैकअप था वो गूगल ड्राइव पर पड़ा है, और उसे गूगल ड्राइव से आई क्लाउड पर लाने के लिए एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो वो अभी तक मैंने नहीं किया। एक वैसे
आर्जी तौर पर बनाया था, लेकिन उसका भी थोड़ा सा मसला है, वो भी आज बैन हो चुका है। अब मेरे पास कोई व्हाट्सएप नहीं है, दुनिया से रबते ख़त्म। तो अब यही है एक आप लोगों से गपशप लगाने का मेरे पास। तो खैर, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एंड तक अगर जिसने देखी उसका बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने नहीं देखी वो आप एंड तक लाजमी देखा करो। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे ही मौसम थोड़ा सेट होता है, तो हम इनके घर वगैरह भी कुछ करते हैं सेट वेट, क्योंकि इनका जो डकी है ना, डकी गैंग हमारा, तो जो हमारा डकी गैंग है ये भी थोड़ा सा तंग होता है इस जाली में। बाकी तो खैर सही है, और कबूतरों का एक मसला है। तो खैर इनका घर वगैरह पक्का करेंगे, डकी गैंग का भी घर बनाएंगे। तो खैर आगे व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।